देखिए आप लोगों अब ध्यान से, तो समझ में आया क्वेश्चन क्या है? इसको इफ से तो हम लोग कर सकते हैं, इफ से कितने कर दोगे इसमें से? विटनेस कर दोगे इफ से इसको? इफ से हो जाएगा, इफ से हो जाएगा ना। लेकिन अगर हम इसको वी लुकअप से करना हो तो कैसे करेंगे? तो अभी मैंने आपको सिखाया ना वी लुकअप में एंड में फॉल्स डालते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए, आज हम वन डालेंगे कि वन क्यों डालते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको ऐसी कंडीशन देनी हो तो उस कंडीशन को ब्रेक कर दो, मतलब 0 अगर इतना होगा तो कितना 500 तक, 41 से 80 के बीच में हो तो कितना 1000, और 81 और 100 के बीच में हो तो 1500, और उससे अबव हो तो 2। देन आप यहाँ लगाइए वी लुकअप, किसको लुकअप करना है? इसको लुकअप करना है। टेबल एरिया मैंने बोल दिया ये है, देन रिजल्ट मैंने बोला कॉलम नंबर 2, देन एग्जैक्ट में ट्रू डाल दो। अभी तक हम फॉल्स डालना सीखा था, हमने 1 आ गया। क्यों? क्योंकि क्या लगाएंगे कॉलम नंबर, आप समझे नहीं, ये वाला है ना, ये दो कॉलम है, इसको एक्सेल 1 मतलब बिल्कुल इसको 1 मानेगा और इसको 2 मानेगा। हाँ आपने पहली क्लास में नहीं देखा, देन इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए F4 से। हाँ ये कौन सा, हाँ वो तो करूँगा तो मैं टुकड़ी, इसका कॉलम फ्रीज होगा, इसका पूरा फ्रीज हो जाएगा क्योंकि डाटा है, और इसको नीचे ड्रैग कर दो। अभी इसने वर्क कैसे कर, ये लुकिंग लुकअप कर रहा है, मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई वैल्यू 0 से 40 के बीच में मिलेगी तो मैं उसको कितना दे दूंगा 500, अगर उसकी 41 से 80 के बीच में मिलेगी तो कितना 1000, और 81 और 100 के बीच में होगी तो 1500, और उससे अबव होगी तो कितना 200। ये लुक ये कर रहा है, ग्रुपिंग कर रहा है, मतलब अगर उसके बीच में आएगी तो रिजल्ट आप ही देखिए यहाँ पर 65 किसके बीच में, इसमें तो उसका रिजल्ट दे रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि अगर आपको एग्जैक्ट मैच हम क्यों लगाते हैं, कि हमें जब ग्रुप लुकिंग करनी है तो इसका यूज़ करते हैं। दोबारा समझ लीजिए, क्वेश्चन हमारा ये था कि मुझे रिजल्ट यहाँ पर इनपुट देना है कंडीशन के भी आप, अगर कोई 0 से 40 के बीच में करता तो उसको कितना मिलेगा 500, और 41 से 80 के बीच में 1000, 81 से 100 के बीच में 1500, और ग्रेटर देन 100 है तो कितना मिलेगा उसको 2000। लेकिन अगर हम इफ से तो बहुत ईजी कर सकते, क्या इसको वी लुकअप से कर सकते हैं? तो हम वी लुकअप से भी कर सकते हैं। कैसे? अभी तक हमने जो सीखा था उसमें हमने एग्जैक्ट मैच लगाया था, आज हम एग्जैक्ट मैच नहीं लगा रहे हैं, हम बोलेंगे वी लुकअप। हमने कहा इसको लुकअप करना है कहाँ से, तो आपको बोलोगे ऐसे कि मुझे यहाँ से लुकअप करना है, ठीक है, रिजल्ट कॉलम नंबर 2 देन 1 या फिर कॉलम नंबर 2 डालोगे तो रिजल्ट आएगा एंड ट्रैक। अभी देखो फार्मूला एरर दे रहा है तो उसको क्या कर दो फ्रीज, इस पर डबल क्लिक कर दो, ठीक है। कॉलम इसलिए नहीं फ्रीज कर, मुझे आगे जाना ही नहीं ना, मुझे इस पर ही करना है। एक इस काम को हम लोग कर सकते हैं लुकअप के नाम से भी, एक हमारे पास लुकअप का फार्मूला होता है, लुकअप इसको लुकअप करना है, लुकअप वैक्टर इसमें से लुकअप करना है, देन टेबल एरिया हमारा ये है एंड इनपुट हमारा ये है, लुकअप इसको लुकअप करना है, सॉरी वी लुकअप था, लुकअप इसको लुकअप करना है, टेबल एरिया ये एंड देन लुकअप वेक्टर दिस एंड लुकअप रिजल्ट दिस। हाँ एंड देन इंटर, ठीक है। दोबारा समझ लो, इसको लुकअप, किसको लुकअप करना है? इसको लुकअप करना है कहाँ से? लुकअप वेक्टर हमारा क्या है? हमारा लुकअप वेक्टर ये है एंड लुकअप फिगर ये है, देन इंटर।
फेस तो करेंगे, बिना फेस के तो काम ही नहीं चलेगा ना। एंड देन इस पर डबल क्लिक करके इसको ट्रैक कर दो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। बट अगर इसको मैन्युअली करना हो तो कैसे करेंगे, ये देखिए, आप चाहते हो मैं इस रेंज को सिलेक्ट नहीं करना है तो आप लगाइए लुकअप, इसको सिलेक्ट कीजिए एंड कर्ली ब्रैकेट्स में डाल दीजिए 0, 41 एंड आपका 80 देन आपका ये तो आपका लुकअप वेक्टर हो गया। देन आपका लुकअप रिजल्ट 500 देन 1500 देन आपका सॉरी 1000 है 1500 एंड देन आपका 2000 कर ली बैक इंटर। तो इसकी ज़रूरत ही नहीं आप फ्रीज करने की, इसको टैग कर दीजिए ठीक है। देन नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा आता है वो अब आता है जिसको हम लिस्टिंग फार्मूला बोलते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करना है, आप ध्यान से देखना है इसको। अब जैसे ही मैं यहाँ नाम डालूँ वो कितनी टाइम इस डाटा के अंदर वो रिपीट हो जाए ठीक है, वो कैसे करेंगे वो दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने यहाँ पर आपका लिख दिया सुनील, तो कितनी बार सुनील है और किस किस सिटी में उसने सेल करी, यहाँ पर ऑटोमेटिक नाम के साथ आ जाए, सिटी आ जाए, उसकी क्वांटिटी आ जाए, उसकी एमआरपी आ जाए। तो मुझे ये कैसा पता चलेगा कि इसमें नेम कितनी बार है, इसमें हम क्या लगा देंगे हम लोग काउंट इफ, हम बोलेंगे काउंट इफ मुझे इस पूरे कॉलम में ये पता करना है कि सुनील कितनी टाइम है, तो उसको सिलेक्ट करूंगा तो बता दे कितनी टाइम है 16 बार है। मैं अगर नीरज बोलूंगा तो यहाँ पर नीरज का आ जाएगा, पूजा बोलूंगा तो पूजा का आ जाएगा रिजल्ट ठीक है, 3 टाइम है। रवि 24 बार है ठीक है, नीरज कितनी बार है 16 बार है। अब मुझे एक ऐसा बनाना है कॉन्सेप्ट कि मैं इसको ड्रैग करूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पर नीरज अपने आप आ जाए 16 बार ठीक है। तो कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर सीरियल नंबर जनरेट करना पड़ेगा। कैसे जनरेट करेंगे, हम बोलेंगे वी लुकअप, उसको बोलेंगे इफ को, इफ अगर ये वाली वैल्यू 0 से बड़ी है तो क्या करो आप यहाँ 1 दिखा दो, नहीं तो आप इसको ब्लैंक कर दो। कंडीशन समझे कि अगर ये जो वैल्यू है 16 अगर 0 से बड़ी है तो कितना दिखाएं 1 नहीं तो ब्लैंक। देन एक और कंडीशन लगाइए, इफ अगर इसमें एक जोड़ने पर उसकी वैल्यू 16 से बड़ी है, ग्रेटर देन 16 है तो आप क्या कर दो ब्लैंक कर दो, नहीं तो आप इसमें एक प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 2 हो गया ठीक है। लेकिन इसको ध्यान से आई वाले को फ्रीज कर दो, F4 से फ्रीज हो गया तो इसको नीचे ट्रैक कर दो, लेकिन 16 के बाद ये क्या दे देगा आपको एरर दे देगा, एरर आ जाएगा क्यों, क्योंकि चेक करेगा क्या वैल्यू इससे बड़ी है तो रिजल्ट आएगा हाँ, तो यहाँ ब्लैंक देगा। फिर नेक्स्ट वाली कंडीशन ये चेक करेगा कि ये वैल्यू इससे बड़ी है तो देखेगा फॉल्स, तो इसमें आपको एरर दे देगा। तो इसे तो कैसे हटाएंगे, आप स्टार्टिंग में लगा दीजिए इफ एरर, तो ये तो आपका डायनेमिक हो गया। एंड देन और नीचे तक इसको आप ट्रैक कर दीजिए, ये फट गया ना माउस, थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है ये, एक जगह सिलेक्ट कर रहा हूँ दो जगह सिलेक्ट हो रहा है ठीक है। देन इसको आप ब्लैंक कर दो, हो गया। और नीचे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाइए एंड डी फॉर डाउन, हो गया डाउन। अब हमें ऐसा बनाना है कॉन्सेप्ट कि ये बहुत इजी तरीके से हो जाए। एक फार्मूला है हमारे पास एरे फार्मूला जिससे हम इजी कर सकते हैं, बट वीलुकअप में क्या है लिमिटेशन है, क्या है वो लिमिटेशन वो मैं आपको समझाता हूँ। लिमिटेशन ये है कि अगर मैं वीलुकअप लगाऊं, मैंने बोला कि मुझे नेम को लुकअप करना है, किसको नेम को लुकअप करना है, कहाँ से इस पूरे डाटा में से, कॉलम नंबर कितना, सिटी कितने पे हमारे पे 3 पे, हम लगा दें 2 पे तो 2 लगा देंगे, देन एग्जैक्ट मैच तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि नीरज अगर और भी कहीं होगा तब भी न्यू दिल्ली दिखाए, क्यों वी लुकअप पहले को लुकअप करता है, जहाँ भी पहला नीरज होगा उसका सिटी होगी वो दे देगा, चाहे नीरज अब कितनी बार भी इसके अंदर आए उससे कोई मतलब नहीं, हमेशा पहले का ही रिजल्ट देगा। तो याद रखना कि वी लुकअप हमेशा पहले वाले का रिजल्ट देता है,
जो उसको मिल जाता है, चाहे आप कितनी बार वी लुकअप लगा लो, यहाँ पर न्यू दिल्ली आएगा। तो कैसे कर सकते हैं उसको अलग? तो उसके लिए हमारे पास तरीके होते हैं। वो तरीके क्या होते हैं देखें, अब वी लुकअप को हमेशा एक नई आईडी चाहिए होती है। कैसे? एक नई आईडी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मेरे पास यहाँ पर एक अटेंडेंस शीट बनी हुई है, आप इसको देखिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे लीव है एम्प्लॉय की, अब एम्प्लॉय एक दिन छुट्टी करता है, ठीक है, सपोज ये वाला एम्प्लॉय कोड नंबर एक दिन छुट्टी करता है, ठीक है। अब मुझे ये पता करना है कि इसने छुट्टी करी, और मुझे इस छुट्टी को यहाँ पर दिखाना है इसकी शीट में कि जैसे वो उस दिन अपसेंट था। बट अगर मैंने इस काम को किससे करा है, मैंने वी लुकअप से करा। आप यहाँ देखोगे फार्मूले में, नीचे करके दिखाऊँ तो मैंने क्या लगाया, वी लुकअप, वी लुकअप लगाया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर उसने किसी दिन और भी छुट्टी करी तो हमेशा कौन सा रिजल्ट दिखाएगा, पहली वाली डेट दिखाएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने एक नई आईडी बनाई। मैंने बोला कि एक यूनिक आईडी चाहिए होती है वी लुकअप को, तो मैंने एक यूनिक आईडी इसलिए बनाई कि मैंने बोला ये डेट को मर्ज कर दो किसके साथ, एम्प्लॉय कोड के साथ। तो मैंने कैसे करा, मैंने कहा B2 कॉन्करनेट डैश कॉन्करनेट C2, मतलब एक नई आईडी बन गई। अगर एम्प्लॉय ने इस दिन छुट्टी करी होगी तो इसका नया कोड क्या बन गया, 42653, और इस दिन क्या था इसका कोड, 42658। तो ये कोड अलग हो गया, इससे वी लुकअप सर्च करेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमें यहां फॉलो करना है। कैसे, देखिए अब मुझे पता कैसे चलेगा इसमें मयंक कितनी बार है, तो क्या लगाएंगे हम लोग, काउंट, काउंट ही बता देगा। हमने कहा किसको सर्च करना है, हमने कहा मयंक को सर्च करना है। कितनी रेंज में, मैंने बोला B2 से लेके B2 तक, एंड देन किसको सर्च करना है, मैंने बोला B2 को। तो आपकी रेंज आ गई बन, और हम पहले वाले B2 को क्या कर देंगे, फ्रीज। फ्रीज क्यों करेंगे, क्योंकि एक डायनेमिक रेंज बन जाएगी, और इस पर आप डबल क्लिक कर दीजिए, ठीक है। देखो अब समझ में आया क्या हुआ, पहले मैं ज्ञान से चला तो इसने क्या बताया कि इसमें मतलब पहले वाले में कितनी बार मैं आएंगे, 1, फिर नीचे चला ये, फिर इसने देखा 2 में कितनी बार है मैं, 1 बार है, फिर नीचे देखा इसने नीचे 2 बार है, तो रिजल्ट कितना दे दिया इसमें आपको, 2। ऐसे यहाँ पर पूजा 2 बार, तो ये डायनेमिक रेंज बन गई कि अब डाटा जितना बढ़ाएगा उतनी रेंज आपकी आ जाएगी। आ गया, ठीक है। अब एक तो आईडी बन गई, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और चेंज करें, क्या करेंगे हम यहाँ पर कॉन्करनेट लगा देंगे। हम बोलेंगे कॉन्करनेट और इस नाम को सर्च कर लो, इससे बेनिफिट क्या होगा किसको, B2 को। तो क्या हो गया, अब मैंग 1, अगर मैंग दूसरी बार आ गया तो मैंग 2, और इसको डबल क्लिक करके ड्रैग कर। अब समझाता हूँ मैं आपको, ये देखिए पहला मैंग कितना हो गया, मैंग 1, फिर देखो मैंग दूसरी बार आया होगा तो क्या बन जाएगा, मैंग 2, फिर मैंग 6 हो गया, मैंग 4, 5 एंड आपका 3। तो डायनेमिक रेंज बन गई। अब वी लुकअप का क्या चाहिए, एक यूनिक आईडी चाहिए, तो आप यहाँ पर लगाइए वी लुकअप। किसको लुकअप करना है, मैंने बोला इसको कॉन्करनेट कर दिया मैंने नेम के साथ कि मैंने इसको लुकअप करना है, ठीक है। देन टेबल एरिया, मैंने कहा इस पूरे टेबल एरिया में से। देन कॉलम नंबर कितना, मैंने बोल दिया कॉलम नंबर 3, एंड देन आपका एग्जैक्ट मैच, तो आपका रिजल्ट आ गया। देन इसको फ्रीज कीजिए एंड इसकी पूरा फ्रीज हो जाएगा ताकि नीचे ट्रैक हो तो चेंज ना हो उसको, तो आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, रिजल्ट सब में क्यों आ रहा है 3, क्योंकि हमारा कॉलर नंबर हमें चेंज करना पड़ेगा। इसको इजी करने के लिए आप क्या लगा दोगे, मैच, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। हो गया, कंट्रोल शिफ्ट हैश, अब इसको नीचे आप ड्रैग कर दो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, आ गया रिजल्ट। अब दोबारा इस कॉन्सेप्ट को समझो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझ लो।
सबसे पहले हमें प्रॉब्लम क्या थी, हमें ये प्रॉब्लम थी कि वी लुकअप को हमेशा एक नई आईडी चाहिए होती है, और नई आईडी बनाएंगे कैसे, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट मैंने सोचा कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है मैंने यहाँ पर क्या करा, एक रो इंसर्ट करी, एक नई रो इंसर्ट करी और मैंने लगा दिया काउंट इफ। मैंने क्या लगाया, काउंट इफ। मैंने बोला कि आप बी टू से लेके बी टू में क्या कीजिए, सर्च कीजिए कि बी टू कितनी बार है, तो उसने बताया बी टू कितनी बार है, वन बार। तो मैंने पहले वाले बी टू को एफ फोर करके फ्रीज कर दिया, फ्रीज हो गया, जिससे क्या करेगा एक डायनेमिक रेंज बना देगा, उस पर डबल क्लिक कर दिया, डायनेमिक रेंज हो गई 1 1 1 2। और फिर इसके आगे मैंने एक और साइन लगाया, किसका, कॉन्कैटेनेट कर दिया, किससे, बी टू को, जिससे आपकी रेंज बन गई, मतलब मयंक डैश 1 मयंक 2 मयंक, और इसको नीचे ड्रैग कर दिया तो आपकी ऐसा आ गया पूजा 2 पूजा 3। एंड देन अब हम लगाएंगे क्या, वी लुकअप, हम बोलेंगे वी लुकअप किसको लुकअप करना है, इस बैठे ना उसमें, ठीक है, किसको, मैंने बोला इस आईडी को, पहली वाली आईडी को कॉन्करेंट कर दिया किसके साथ, नेम के साथ, कि मुझे पहले नीरज को लूं, देन डाटा सिलेक्ट, देन कॉलम नंबर 3 की जगह हम क्या लगाए थे, मैच, हमने कह दिया इसको, देन इसको, देन आपका एग्जैक्ट मैच, एंड यहां भी आपका एग्जैक्ट मैच, रिजल्ट आ गया। देन इसको ध्यान से आप फ्रीज कीजिए, इसका क्या फाइव फ्रीज होगा क्योंकि आगे जाएगा इसका पूरा एरिया फ्रीज हो जाएगा, एंड नीचे आप ट्रैक कर दो, कंट्रोल शिफ्ट आर देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन, तो रिजल्ट आ गया, आ गया, ठीक है। अब इसमें जिसको इस टॉपिक नहीं समझा आया वो पूछो, क्योंकि मैं दो बार इसको बता चुका हूँ, कॉन्कैटेनेट नहीं लगाएंगे तो नई आईडी कैसे लेगा वी लुकअप, हमेशा पहले रिजल्ट को पुट कर देगा। मैंने आपको बताया ना कि वी लुकअप पहले वाले को रिजल्ट देता है, अगर मैं नई आईडी नहीं बनाता तो क्या होता, हमेशा भी दिखाता नीरज ये वाला, न्यू दिल्ली वाला, चाहे मैं कितनी बार भी रिपीट करता, इसलिए मैंने इसको लगाना पड़ा। ललित एक स्टूल उठाना वहां से भाई, ठीक है, अगर किसी, हाँ सारी नीरज की दिखा, जैसे जैसे अगर मैं सुनील चेंज कर दूं या मैं रवि कर दूं तो आपको, हाँ ये देखो रवि का आ गया ना, मैं यहाँ पर पूजा करूं तो रिजल्ट आपको पूजा का आ जाएगा, देखो पूजा इसमें 3 बार ही है, 3 रिजल्ट आया, ये दिक्कत हो रही है, इसके लिए आप क्या लगा दोगे, इफ एरर, दोबारा समझा दो अगर किसी को प्रॉब्लम है, ये देख अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा समझा दो, ये देखिए। अब मेरे को क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है कि पूजा इसमें कितनी बार है, तो किससे पता चलेगा, हमें कौन बता देगा फार्मूला, काउंट बता देगा कि इस रेंज में पूजा कितनी टाइम है, तो बताएगा 3 टाइम है, मैं यहाँ पर नीरज डाल दूंगा तो कितना बता देगा, 16, मैं सुनील डाल दूंगा तो कितना बता देगा, 16, देन ओम नाथ कितना, 8 बार है, ठीक है। लेकिन अगर मैं वी लुकअप से कहूँगी वी लुकअप आप इसको लुकअप करो, कहाँ से, टेबल एरिया, ये चलेगा, ठीक है, देन कॉलम नंबर 3, देन एग्जैक्ट मैच, तो रिजल्ट आ गया, आ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या, सिटी का रिजल्ट आ रहा है, 3 है ना सिटी, यहाँ पर हमें 2 डालना पड़ेगा क्योंकि दूसरे नंबर पर सिटी है, आ गई। लेकिन ये कि अगर मुझे, मैंने कहा कि मैं सेकंड वाला ओमनाथ सेकंड बचा दो, ओमनाथ सेकंड आ रहा, ये वाला जैप इसका, ये वाला पटना वाली से दिखाओ, तो पटना वाला कभी नहीं दिखाएगा ये, क्यों, क्योंकि वी लुकअप पहले को ही लुकअप करता है, बाजार वाले को लुकअप नहीं करता, चाहे वो डाटा में
ओमनाथ कितनी बार भी रिपीट हो, बस ये एक ही बार आपको रिजल्ट दिखाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक नई आईडी चाहिए होती है। नई आईडी हमने कैसे करी, हमने कॉलम इंसर्ट करा, हमने बोला कि आप काउंट लगाइए, काउंट इफ कि B2 से लेके B2 किसको ढूंढना है, मैंने बोला B2 को, एंड एंटर। तो इसने बताया मयंक कितनी बार है इसमें, एक बार है ना। देन मैंने क्या करा, और मैंने इसको F4 से इसको फ्रीज कर दिया। क्यों, क्योंकि एक डायनेमिक रेंज बन जाएगी, और इसको नीचे डबल क्लिक कर दिया। तो देखो अभी मयंक एक बार था इस डाटा में, ये देखिए एक बार था, तो मयंक एक बार, नीरज एक बार था, एक बार पूजा, एक बार, एक बार। अब देखो नीरज दो बार हो गया, तो रिजल्ट कितना आ गया आपका, नीरज 2, फिर यहाँ पर 1, फिर 1, पूजा 2, यहाँ पर 2 आ गया। देन ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट क्या बनाना था, मुझे ऐसे दिखाना था 1/ओमनाथ, ऐसे करके दिखाना था, ठीक है, ऐसे फिर 2/ओमनाथ, ऐसे तो करके दिखाना था, लेकिन बने तो बने कैसे। तो मैंने क्या करा, मैंने यहां पर एक और कॉन्सेप्ट अपनाया, मैंने क्या इसको ओपन करा, देन कॉन्ग्रेनेट का साइन लगाया, और मैंने कहा कि आप B2 को सिलेक्ट कर लो। तो ऐसे आईडी बन के आ जाएगी, मयंक 1, फिर मयंक 2, तो एक यूनिक हो गई, नीरज 2, रवि, पुनीत। देखो हर बार एक नई आईडी आ रही है, जितनी बार नीरज इसमें होगा उतनी उसकी आईडी बन गई होगी। जैसे पुष्पा 8, मयंक 21, ठीक है, रवि 24, तो एक नई आईडी बन गई। अब मुझे, मैंने क्या बोला, मैंने बी लुकअप को बोला कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया, मैंने बोला नेम कॉन्कटनेट दिस, तो आपका रिजल्ट आ गया 1/ओमनाथ, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि अब यहाँ पर 8 कितनी बार आएगा, कैसे लाएंगे 8, कि 8 यहाँ पर है। तो हमने क्या लगाया, हमने लगा दिया इफ, हमने बोला कि अगर आपकी ये वाली वैल्यू 0 से बड़ी है तो आप रिजल्ट कितना दे दो, 1, नहीं तो आप ब्लैंक कर दो, हो गया। फिर मैंने एक और इफ लगाया, मैंने बोला कि अगर इसको एक जोड़ने पर इसकी वैल्यू इससे बड़ी है तो आप क्या कर दो, ब्लैंक कर दो, नहीं तो अपने ऊपर वाले में जोड़ दो, जोड़ दे, तो रिजल्ट कितना मिला, 2। और मैंने इस के वाले को मैंने फ्रीज कर दिया ताकि नीचे ड्रैग हो दो, ये एरर रिजल्ट ना दे, और नीचे आप एरर आएगी तो इस एरर को कैसे हटा देंगे, इफ एरर से। अब मैं आईडी बना सकता हूं ऐसे कि 1 कॉन्कटनेट किसको, ओमनाथ, बन गया। देन इसको फ्रीज करता हूं ध्यान से, ये देखिए आप, तो वी लुकअप को क्या चाहिए, यही तो आईडी चाहिए थी, ओमनाथ 1। इसमें ढूंढेगा कि ओमनाथ 1 कहां पर है, ये रहा, तो दे देगा उसकी सिटी जयपुर। फिर सेकंड ओमनाथ को ढूंढेगा, वो कहां पर है आपका, इसमें जयपुर में, ये भी जयपुर में। फिर तीसरा वाला देखेगा, तीसरा वाला कहाँ है, ये आपका पटना में, तो पटना का रिजल्ट दे देगा। तो इसी चीज़ को मैंने किस में फॉलो करा, मैंने वी लुकअप में फॉलो करा। मैंने कहा वी लुकअप किसको लुकअप करना है, मैंने कहा इसको कॉन्करेंट कर दिया, किसके साथ, नेम के साथ, कि आप इसको लुकअप करो। कहाँ से, मैंने बोला A1 से लेके F तक, कॉलम नंबर कितना, मैंने बोल दिया कॉलम नंबर 3 की जगह मैंने क्या लगा दिया, मैच। मैंने कहा किसको, मैंने कहा नेम को लुकअप करना है, इसको सिटी को, कौन से कॉलम से, मैंने बोला इस कॉलम से। देन रिजल्ट आपका एग्जैक्ट मैच, देन आप इसको 0, एंड देन आपका आ गया पहला। देन आप इसको ड्रैग कर दीजिए, इसका आई फ्रीज करेंगे ताकि आई जेना बन जाए, और इसको पूरा फ्रीज कर देंगे नाम को, ताकि नाम नीचे ना आ जाए, पूरा टेबल एरिया। अब आता है J5, तो ये हमारा J5 है, इसमें से हम रो को फ्रीज करेंगे ताकि रो आगे जाए नीचे ना आए। देन हमारा कॉलम, पूरा टेबल एरिया, एंड इसको ड्रैग कर देंगे, कंट्रोल R एंड देन कंट्रोल D4 डाउन आ गया। जैसे मैं यहाँ नीरज करूँगा, हमारे पास नीरज का रिजल्ट आ जाएगा, आ गया।
लेकिन रिजल्ट नीचे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने लास्ट फार्मूला कहाँ तक ड्रैग करा है, 8 तक, तो हमें और ज़्यादा करना पड़ेगा। एरर आएगी तो एरर को शुरू में ही आप लगा दो क्या इफ एरर, ताकि आपकी एरर रिमूव हो जाए। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, डी फॉर डाउन आर डी, ठीक है। हाँ तो 16 दिखा रहा है ना, तो आपका फार्मूला 12 तक ही ड्रैग हुआ है, और ड्रैग कर लो नीचे, और ड्रैग कर लो, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो यही काम को हमें यहाँ पर भी करना है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि मुझे पुनीत को ढूंढना है, पुनीत जिसकी सिटी पटना है उसकी क्वांटिटी निकालनी है। तो कैसे निकालोगे आप लोग, मुझे ही पता करना है कि पुनीत ने पटना में कितनी क्वांटिटी की सेल करी है। तो कैसे निकलेगी, हम यहाँ पर एक नई आईडी बना लेंगे, कैसे, क्योंकि बी लुकअप एक बार में एक चीज को लुकअप करता है। हम बोल देंगे दिस कॉन्करनेट आपका दिस, तो आईडी बन गए मयंक पुणे, नीरज न्यू दिल्ली, सुनील कानपुर, नीरज न्यू दिल्ली, पुनीत पटना, रवि दिल्ली, रवि पुणे, रवि, ठीक है। तो हम ये कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या लगाना, हम सिंपल लगा देंगे वी लुकअप, किसको लुकअप करना है, हमने कहा इसमें से कॉन्करन है सिटी को लुकअप करना है, देन कहाँ से, मैंने कहा इस पूरे एरिया में से, आ गया। देन कॉलम नंबर किसका चाहिए हमें, 4, हम यहाँ पर 4 लिख देंगे, देन आपका एग्जैक्ट मैच आ गया भाई। आप ये देखिए, अगर किसी ने बोला कि मुझे एक और चाहिए, क्या चाहिए, साथ में डेट भी चाहिए, तो आप यहाँ पर डेट लगा दो, ठीक है, और यहाँ पर एक और कॉन्करनेट कर दो, किसके साथ, डेट के साथ, कॉन्करनेट डेट, तो ऐसे हो जाएगा, हो गया। देन यहाँ पर आप डेट डाल दीजिए, 22 की डेट क्या, 25/5/2015 आ गया। देन कॉन्करनेट लगाइए, आपने यहाँ पर 2 लगाए, एक और कॉन्करनेट लगा दीजिए, किसका, डेट का, आप देखिए रिजल्ट 15 था, 5 था आई थिंक, 5 था, कहीं रिजल्ट गलत दे रहा है, एक मिनट दोबारा लगाऊं, वी लुकअप किसको, मैंने कहा नेम को कॉन्करनेट कर दो किसके साथ, सिटी के साथ, देन कॉन्करनेट कर दो आप किसके साथ, डेट के साथ, देन पूरे एरिया में से कितना, कॉलम नंबर 4 एंड देन आपका एग्जैक्ट मैच अन्य आ रहा है, अच्छा जैन होगा ना, 1 आएगा, आ गया। तो आप कितनी मल्टी कंडीशन हो तो आप ऐसे भी लुकअप में पुटअप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, बस अब आज आपका वी लुकअप खत्म हो गया। तो मैं एक बार आपको ओवरव्यू करवा रहा हूँ, जिसको जिसमें प्रॉब्लम हो अपने अपने टॉपिक बताते जाना, मैं कराता एक बार रिविजन करवा दूंगा। पहले कौन सा, ये जो पहले बताया था स्टार्टिंग में, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, देन आपका सेकेंड, इसमें अगर आपका डाटा सीक्वेंस ना हो, मतलब आईडी बीच में, उसके हिसाब से लुकअप करना है, तो उसके लिए क्या लगाते हैं हम लोग, मैच ऑपसिट, या फिर हमारे पास एक फार्मूला होता है किसका, इंडेक्स का, हम ये लगा सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं क्या, या फिर हम इंडेक्स, देखिए इंडेक्स लिख दिया मैंने, इंडेक्स में पूरा एरिया चाहिए होता है, हमने बोल दिया इस एरिया में किसको ढूंढना है, कितने नंबर रो को, 10 नंबर रो, 10 नंबर पर जो भी नाम होगा वो आपको पुटअप कर देंगे, बस इसकी क्वांटिटी है, तो लगा दीजिए आप सिंपल।
वी लुक सॉरी इंडेक्स इसके पूरे एरिया सेलेक्ट कर लो, ठीक है। रो नंबर कैसे पता चलेगा 108 का, तो उसके लिए आप लगा लो मैच इसको, देन कहाँ से इस पूरे में से, देन एग्जैक्ट मैच और क्वांटिटी आपके कितने पे, कॉलम नंबर 3 पे, या फिर आप मैच लगा लो, मैच मतलब 4 डाल दो, रिजल्ट आपको एन ए आ रहा है, है? इसमें एक छोटी बी 1 से लेके बी 11 तक, ठीक है। देन फिर मैंने आपको एच लुकअप बताया था, एच लुकअप में आप लोग डायनेमिक कर लोगे, जो 4 एस को कैसे डायनेमिक करेंगे, मैच लगाएंगे जो हमने यहाँ डाला था कि मुझे क्वांटिटी ढूंढनी है कहाँ से, यहाँ से, देन आपका एग्जैक्ट मैच आ गया। अब मैं डेट डालूँ तो हमारा डेट का रिजल्ट आ जाएगा, मैं MRP डालूँ तो हमारा MRP का रिजल्ट आ जाएगा। देन मैंने आपको फिर मल्टी शीट बताया था, अगर जिसको मल्टी शीट नहीं आता वो दोबारा पूछे, दोबारा समझा दूंगा। देखिए ये देखिए मल्टी शीट में क्या था कि जैसे मैंने यहाँ वी लुकअप लगाया, मैंने बोला वी लुकअप किसको लुकअप करना है, मैंने कहा इसको लुकअप करना है, एक मिनट, मैंने बोला वी लुकअप इसको लुकअप करना है कहाँ से, डी 1 में से, मतलब पहली शीट में से। क्या चाहिए हमें, नेम चाहिए, तो नेम कितने पे हमारा 3 पे, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, ठीक है। देन आपका एग्जैक्ट मैच, ठीक है, आ गया मैं। फिर हमने अगर हमारा डाटा 700 पे गया तो एरर दे देगा, क्योंकि जो हमारे इस डाट शीट में डाटा है वो लास्ट हमारा डाटा कहाँ तक है, 682 तक है, और सेकंड शीट में हमारे पास डाटा है, तो हमें एक और शीट वी लुकअप लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक और वी लुकअप लगाएं, हम बोलेंगे वी लुकअप कि आप इसको लुकअप करो कहाँ से, शीट 2 में से, इस पूरे एरिए में से आप 3 का रिजल्ट दे दीजिए, देन आपका एग्जैक्ट मैच आ गया। सुनील सपोज अगर ये ज़्यादा होता फिर यहाँ एरर आ जाती, फिर मुझे एक और वी लुकअप लगाना पड़ता और शीट 3 में से सर्च करना पड़ता, वी लुकअप इसको लुकअप करना है कहाँ से, शीट 3 में से, इस पूरे एरिए में, किसका 3 का रिजल्ट, देन आपका एग्जैक्ट मैच, ठीक है। 1300 उसमें है ही नहीं, बी 1 से होगा, ठीक है। अगर ये भी ज़्यादा जाता 2000 करीब आता, ये भी आपको एरर दे देता ना एरर, तो फिर हमें एक और वी लुकअप लगाना पड़ता, वी लुकअप कि इसको लुकअप करना है कहाँ से, डी 4 में से, देन आपका कॉलम नंबर 3, आप भी गलत सेलेक्ट हुआ है, थोड़ा माउस प्रॉब्लम दे रहा है आज, हो गया। बट मुझे ये पता है कि चारों में से किसी एक में रिजल्ट आना है कंपलसरी, है ना, तो मैंने इफ एरर को बोला कि अगर आपकी ये दोनों वैल्यू, मतलब अगर पहली वैल्यू आपकी एरर दे दे तो क्या चले, ये चले, ठीक है, समझ गए। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि अगर दो पहली या दूसरी शीट में रिजल्ट मिलेगा तो क्या दे देगा, यहाँ रिजल्ट आ जाएगा। आप इस वाले पूरे फार्मूले को कॉपी कर लो, कॉपी हो गया, देन आप इफ एरर के अंदर जाके पेस्ट कर दीजिए, देन कंट्रोल वी कर दीजिए, आ गया। देन आप इसको ओपन कीजिए F2 से, पूरे एरिया को सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, एंड देन C2 की जगह पेस्ट कर दीजिए, आ गया आपका। अब इन दोनों की जरूरत तो नहीं है आपको, अब आपको पता है कि रिजल्ट में चाहे 6-1 से लेके 683 तक आए या 1183 तक आए, मतलब पहले वाले में हमें रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए आप, मैं इसमें 200 कर दूँ रिजल्ट आ जाएगा, मैं 500 करूँगा तब हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, मैं 800 करूंगा तब हमारा रिजल्ट आ जाएगा, मैं 1100 करूंगा तब हमारा रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अगर मैंने 1200 कर दिया तो अन्य आ जाए, क्यों, क्योंकि शीट 1 और 2 में तो कोई है ही नहीं ना 1200, फिर हमें एक और इफ लगाना पड़ेगा, हम बोलेंगे इफ एरर कि अगर आपकी ये वाली वैल्यू एरर देती तो आप किसका रिजल्ट दे दो, तीसरे वाले का, हो गया। देन आप इसको पूरे को कॉपी करो,
हो गया, देन आप मयंक सी टू यहाँ जाओ और यहाँ कंट्रोल वी कर दो, आ गया। एफ टू इसको कॉपी करो एंड डी टू कर दो, आ गया आपका, हो गया। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, इसको डिलीट कर सकता हूँ, एंड अगर मैं 1500 भी करूँगा तब भी हमारा इसमें रिजल्ट आ जाएगा, आ गया तीन में आ गया। लेकिन अगर 2000 कर दूंगा तो इसमें आ जाएगा, क्यों? क्योंकि शीट 1 2 3 में तो है ही नहीं 2000, किस में? 4 शीट में। तो हम एक और रेफरल लगाएंगे, हम बोलेंगे इफ एरर, अगर आपकी वैल्यू ये एरर देती है तो आप रिजल्ट किसको दे दो? इसका दे दो, ठीक है। देन इस पूरे फार्मूले को कॉपी करो एंड इसमें सी टू की जगह जाके आप पेस्ट कर दो, हो गया आपका। देन ये लिंक है, इसको ओपन कीजिए, इसको कॉपी कीजिए, देन इसमें जाके आप सी ये इसमें पेस्ट कर दीजिए, हो गया आपका डायनेमिक। इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए एंड कंट्रोल एक्स देन कंट्रोल वी, ठीक है। नेक्स्ट, और किसी को अटेंडेंस वाला मैंने कल ही समझाया था, फ्रीज नहीं होना, फ्रीज आप करना। देन तो आप लोग प्लीज को बैठ के प्रैक्टिस कर लो, आज हमारा लुकअप एंड रेफरेंस का पूरा फार्मूला स्टार्ट हो गया है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना, पीछे के सारे फार्मूला रिवीजन करवा दूंगा एक बार। फिर इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे मैथ एंड ये वाला फार्मूला, ये थोड़े इजी फार्मूले एक क्लास में सारे हो जाएंगे, क्योंकि बस खाली आपको बताना है ये फ्लोर क्या करता है, जिसे ये क्या करता है, क्योंकि इतने ये यूज होने वाले फार्मूले नहीं है, ठीक है। तो आप बैठ के प्लीज वी लुकअप की अपनी अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए।